हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक चौहान और आप देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग एम्पायर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट्स। तो पहली अपडेट है पैट्रिक मोरे की तरफ से, जो कि 29 मई को होने वाले शो कैलिप्रो में कम्पीट कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक फिजिक अपडेट पोस्ट किया है जिसमें वो फुल और डेंस लग रहे हैं। अभी शो को 5 दिन ही बचे हैं और इस बार उनकी कंडीशन थोड़ी लैक करते हुए दिख रही है। पैट्रिक 2029 ओलंपिया में टॉप 10 एथलीट्स में से एक थे और पूरी लाइनअप में उनके जैसा कंडीशनिंग किसी की नहीं थी, बट इस बार साइज के लिए उन्होंने अपनी कंडीशनिंग को नजरअंदाज कर दिया है। अदर बिग नेम्स जो कैलिप्रो में कम्पीट कर रहे हैं वो है हसन मुस्तफा, जिन्होंने रिसेंटली अपनी फिजिक अपडेट शेयर करी है जिसमें वो भी फुल और हार्ड दिख रहे हैं। हसन ने लास्ट शो न्यूयॉर्क प्रो में भी कम्पीट किया था, जहां वो थोड़े ऑफ और फ्रंट से सॉफ्ट लग रहे थे, जिससे उन्हें थर्ड पोजीशन जजेस के द्वारा दी गई, बट उन्होंने उसके बाद साफ क्लियर कर दिया था कि वो 2021 की ओलंपिक क्वालिफिकेशन लेके रहेंगे। लगता है कि हसन पैट्रिक की फाइट में हसन जीत जाएंगे और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि हसन पैट्रिक से ज्यादा कंप्लीट है। आपको क्या लगता है कमेंट डाउन बिलो। नेक्स्ट न्यूज है रोली द बीस्ट विंकलर की तरफ से, जिन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि वो जल्द ही स्टेज पे कम्पीट करेंगे। लास्ट ईयर रोली टर्की एयरपोर्ट पे कोविड की वजह से फंस गए थे और 2020 ओलंपिया को मिस कर गए थे, बट इस बार वो पूरी तरह से रेडी लग रहे हैं। हमें वो शिकागो या टेक्सास प्रो में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है जेम्स होलिंगहेड की तरफ से, वो पहले ही ओलंपिया 2021 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। उनकी फिजिक अपडेट में वो बहुत बड़े और हार्ड लग रहे हैं। वो 300 प्लस पाउंड बॉडी वेट पे हैं। अगर जेम्स ओलंपिया स्टेज पे कंडीशन आते हैं तो वो टॉप 10 आराम से क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है माइकल क्रीजो की तरफ से, जो कि IFBB प्रो एलीट के कुछ टॉप एथलीट्स में से हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ वीडियोस पोस्ट की हैं। माइकल क्रीजो ने कुछ दिन पहले निक वॉकर, जो कि न्यूयॉर्क प्रो को वन हैंडेड डोमिनेट करते हुए जीत गए थे, उनको ट्रोल करने की कोशिश की। माइकल क्रीजो ने एक कंपैरिजन पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि निक एक लिलीपुटियन जैसे दिखते हैं। उन्होंने निक को चैलेंज करते हुए कहा कि केम टू एलीट प्रो, वहां आपको ट्रू बॉडी बिल्डर्स देखने को मिलेंगे। माइकल ने ब्लेसिंग को भी ट्रोल करते हुए कहा कि उनका बेबी बाइसेप है। मुझे लगता है कि माइकल बस हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है नाथन डियासा की तरफ से, वो बहुत दिनों बाद बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में कम बैक कर रहे हैं। उन्होंने एक फिजिक अपडेट पोस्ट करी है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि वो 6 वीक बाद होने वाले प्यूर्टो रिको शो में कम्पीट करेंगे। नाथन की मसल्स देखने में बहुत डेंस एंड मस्कुलर लगती हैं। देखते हैं कि वो इस साल ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं। सो आज की लास्ट न्यूज अपडेट है हंटर लबराडा की तरफ से, जो कि शिकागो प्रो में कम्पीट करने वाले हैं। हंटर लबराडा अभी शिकागो प्रो से 9 वीक्स आउट है और उन्होंने एक फुल बॉडी फिजिक अपडेट शेयर करी है। विद करंट डाइट प्लान चार्ट हंटर ओवरऑल ईयर कंडीशन रहते हैं। उनकी स्किन पेपर थिन स्किन लगती है। पूरा साल कंडीशन रहने से वो अपनी बॉडी में कुछ खास चेंजेस नहीं कर पाए। शिकागो प्रो में और भी बहुत सारे बड़े एथलीट्स कम्पीट कर रहे हैं, जैसे कि अकीम विलियम और सर्जो ओलिविया जूनियर, तो हंटर के लिए शो जीतना आसान नहीं होगा। आपको क्या लगता है शिकागो प्रो में मेंस ओपन का विनर कौन होगा, कमेंट डाउन बिलो। बिल्डिंग अपडेट्स यहीं खत्म होती है। अगर आपको ऐसी है अपडेट्स और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें।